तो जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से हो जाइए तैयार, क्योंकि आज हम आप लोग के लिए लेकर के आ चुके एक और शानदार कार। और गाड़ी का क्या नाम है वो तो बेशक आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको नाम बताता हूँ। तो दोस्तों गाड़ी का नाम है टाटा की नैनो। जी हाँ, काफ़ी ज़बरदस्त, काफ़ी धमाकेदार है गाड़ी होने वाला है। इसका आप ओवरऑल लुक तो देख ही सकते हैं, काफ़ी शानदार है। सिल्वर कलर की आपको गाड़ी देखने को मिल जाती है। हेडलाइट्स की बात करें तो नॉर्मल आपको हैलोजन हेडलाइट देखने को मिल जाता है, साथ ही साथ आपको हेडलाइट्स के जस्ट ऊपर में साइड इंडिकेटर भी देखने को मिल जाती है, और एक इंडिकेटर आपको देखने को मिल जाएगी फेंडर के ऊपर। तो आज की इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि गाड़ी के अंदर आप CNG लगवा सकते हो या नहीं, क्योंकि पेट्रोल वेरियंट गाड़ी, और इतना ही नहीं दोस्तों, सेकेंड हैंड CNG आप मतलब 15 से 20 हज़ार के अंदर कैसे लगवा सकते हो उसके बारे में बताएंगे। और सबसे बड़ी बात होती है कॉन्टैक्ट नंबर को लेकर के, क्योंकि क्या होता है ना कि कॉन्टैक्ट नंबर तो लोग बोलते हैं कि भाई वीडियो के अंदर दे देंगे, लेकिन देते नहीं है। तो मैं आपको बताता हूँ, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको कॉन्टैक्ट नंबर देखने को नहीं मिलेगा। कॉन्टैक्ट नंबर आपको चाहिए तो दोस्तों वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, वीडियो के बीच में या फिर वीडियो के एंड में आपको कहीं ना कहीं कॉन्टैक्ट नंबर देखने को मिल जाएगा। तो चलिए अभी हम बात कर लेते हैं गाड़ी के डिटेल्स के बारे में। तो दोस्तों बता देना चाहता हूँ, ये जो गाड़ी है टॉप मॉडल गाड़ी नहीं है, टॉप सेट दो मॉडल नीचे की गाड़ी है। और फीचर्स आपको क्या क्या मिलता है वो तो अभी आपको मैं वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बताता हूँ ORVM के बारे में। तो ORVM आपको कलरफुल देखने को नहीं मिलता बॉडी कलर से, क्योंकि दोस्तों बेस मॉडल गाड़ी है, टॉप मॉडल है नहीं। टॉप मॉडल होता तो आपको बॉडी कलर में देखने को मिलता। वहीं बम्पर की बात करें तो बम्पर आपको बॉडी कलर से ही देखने को मिल जाता है, और बम्पर के अंदर आपको फॉग लैंप भी देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छा वर्किंग करती है। और वहीं गाड़ी के अंदर आपको हैलोजन लाइट मिलता है, तो अभी के टाइम में तो आपको पता ही है प्रोजेक्टर ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो अगर आप इस गाड़ी के अंदर प्रोजेक्टर लगवाना चाहें तो बेशक वो भी लग जाएगा इस गाड़ी के अंदर। प्रोजेक्टर का आप दोस्तों आपको खर्चा आने वाला है, लोकल वाला डलवाओगे तो 700-800, वहीं अगर आप ओरिजिनल डलवाना चाहते हो तो 1800-1900 आपका लगने वाला है। और सिंगल वाइपर इस गाड़ी के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। टायर कंडीशन की बात करें तो 60-70% के आसपास आपको टायर की लाइफ देखने को मिल जाती है, जो कि ठीक ही है, एक सेकेंड हैंड गाड़ी के लिए बेस्ट ही मानी जा सकती है, ज़्यादा कुछ खराब भी नहीं है। और आप जब भी कोई भी सेकेंड हैंड गाड़ी लें तो 50% से ऊपर कहीं लें, ताकि यार आपको खर्चा ना हो टायर में तुरंत भर में। और व्हील कैप की बात करें तो दोस्तों व्हील कैप आपको इस गाड़ी के अंदर देखने को नहीं मिलता, सिंपल सा स्टील का जो रिम आता है ना वही इस गाड़ी के अंदर आपको देखने को मिलता है। हाँ, आप चाहें तो प्लास्टिक आता है व्हील कैप, आप वो लगवा सकते हैं आफ्टर मार्केट। और दोस्तों अब इसमें एलॉय लगवाना चाहें तो बेशक आप वो भी डलवा सकते हो। 12 इंच का आपको इसके अंदर टायर साइज़ देखने को मिल जाता है, सो 12 इंच का ही आप एलॉय डलवाएं, उससे बड़ा डलवाओगे तो फिर यार आपको सस्पेंशन का भी काम कराना पड़ सकता है, सो आप 12 इंच का ही डलवाइएगा। और पीछे से बात करें तो दोस्तों पीछे से कुछ इस टाइप का सा गाड़ी का आपको लुक देखने को मिल जाता है। बूट ओपन की बात करें तो दोस्तों इस गाड़ी के अंदर आप बूट बिल्कुल भी ओपन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पीछे में बूट ओपन करने का कोई भी फीचर्स देखने को नहीं मिलता है। वहीं बात कर ले अगर हम दोस्तों बूट स्पेस के बारे में, बूट स्पेस कैसे यूज़ कर सकते हैं क्योंकि बूट तो पीछे से ओपन नहीं हो सकता, तो दोस्तों बूट स्पेस आप यूज़ करने के लिए आपको पीछे का जो डोर है ना वो ओपन करना पड़ेगा, फिर सीट गिरा करके आप पीछे का बूट स्पेस यूज़ कर सकते हैं, या फिर पीछे में सामान डाल करके सीट जैसे था नॉर्मल वैसे ही लगा दीजिएगा, पीछे में इतना बड़ा स्पेस मिलता है कि आप आराम से सामान रख सकते हैं। वहीं इंजन की बात करें तो दोस्तों इस गाड़ी का जो इंजन है वो आपको पीछे में देखने को मिल जाता है, और पीछे में इंजन होने के कारण लोग ये करते हैं कमेंट कि भाई इंजन का नॉइस आता है कैबिन में या फिर नहीं आता है बता दो। तो दोस्तों अगर आप नैनो का सबसे बेस्ट वेरिएंट लेने जाओगे जिसमें AC विन तक नहीं आती है, मतलब AC वैसी भी नहीं आती, अगर वो लेने जाओगे तो उसमें बेशक आपको नॉइज़ देखने को मिल जाएगा 5-10% के आसपास, लेकिन अगर आप बेस वेरियंट से एक भी वेरियंट ऊपर का लेने जाते हो गाड़ी तो आपको AC हीटर सब कुछ देखने को मिल जाता है। और इस गाड़ी के अंदर AC हीटर सब कुछ है। और नॉइज़ के बारे में बात कर ले तो नॉइस आपको नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन आप जब टेस्ट ड्राइव लेने जाओगे तो आप बेशक चेक कर लेना यार, क्योंकि बहुत लोग का अपना अपना थिंकिंग होता है, लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ नॉइस है, तो इसलिए आप अपने हिसाब से एक बार चेक जरूर से जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों टेन लाइट की बात करो तो टेन लाइट्स आपको नॉर्मल देखने को मिल जाती है, बल्ब वाली इसमें बात कर ले LED का तो दोस्तों LED तो आपको इसके अंदर देखने को नहीं मिलता है, बट ठीक है काफ़ी अच्छा है। और AP नंबर गाड़ी है, मतलब सीधा सीधा बताऊँ तो अरुणाचल प्रदेश की गाड़ी है, और गाड़ी की जो NOC होती है वो अवेलेबल करा दी जाएगी। सो नंबर प्लेट को लेकर के आप टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिएगा, और जिनको NOC के बारे में नहीं पता कि NOC क्या होता है तो मैं बता देना चाहता हूँ दोस्तों। NOC उसको बोलते हैं कि अगर आप अदर स्टेट की गाड़ी अगर अदर स्टेट में ले जा करके चलाना चाहते हो, प्राइवेट नंबर गाड़ी है, तो आपको NOC की ज़रूरत पड़ने ही वाली है, तो NOC उसी को बोलते हैं। तो आप जब भी कोई अदर स्टेट की गाड़ी लेकर के अपने स्टेट में चलाने के लिए तो NOC पेपर जरूर से ज़रूर रखिएगा। और सेंट्रल लॉकिंग की बात कर ले तो दोस्तों इस गाड़ी के अंदर आपको सेंट्रल लॉकिंग देखने को नहीं मिलता, नॉर्मल आपको की वाला लॉक देखने को मिलता है, सेफ्टी पर्पज़ में आपको यही सिर्फ और सिर्फ देखने को मिलता है। और ओवरऑल तो गाड़ी काफ़ी अच्छी है, नीचे में आपको एक स्टॉप लाइट देखने को मिल जाता है। रिफ्लेक्टर की बात करें तो इस गाड़ी के अंदर आपको रिफ्लेक्टर देखने को नहीं मिलता। चलिए अभी हम बात कर लेते हैं एवरेज के ऊपर क्या देती है ये गाड़ी एवरेज। तो दोस्तों अगर आप पेट्रोल वेरियंट गाड़ी है तो पेट्रोल में आपको एवरेज पहले बताता हूँ। एवरेज आपको पेट्रोल में सिटी में आराम से निकाल कर दे देगी 19-20 की। वहीं हाईवे के ऊपर बात करें तो दोस्तों
हाईवे पे गाड़ी आराम से आपको 2627 की दे देती है, और कंपनी भी इतना ही क्लेम करती है। और इसका इंजन का कैपेसिटी बताऊँ तो 625 सीसी की इंजन आपको देखने को मिल जाती है। 2 सिलेंडर इंजन है, काफ़ी छोटी इंजन है लेकिन पावर ठीक ठाक जनरेट कर देती है। बात कर ले सीएनजी का, सीएनजी एवरेज तो दोस्तों सीएनजी में आपको आराम से निकाल के दे देगी सिटी में 25-26 का, वहीं बात कर ले हाईवे पे तो हाईवे में 30-35 बहुत आराम से निकाल के दे देने वाली है। सो एवरेज तो काफ़ी अच्छा सीएनजी पे। चलिए बात कर लेते हैं सीएनजी लगवाने को लेकर के, अगर आप सेकेंड हैंड सीएनजी लगवाते हैं तो कितना में लग जाएगा। तो दोस्तों सेकेंड हैंड अगर आप सीएनजी लगवाना चाहते हैं तो मैक्सिमम आपको 15-20 हज़ार खर्चा करना पड़ जाएगा, तो आपका सेकेंड हैंड सीएनजी इस गाड़ी के अंदर लग जाएगा। वहीं अगर आप ब्रांड न्यू सीएनजी लगवाना चाहते हो तो आपको 30-40 हज़ार लगाना पड़ेगा, तब आपका ब्रांड न्यू सीएनजी गाड़ी के अंदर लगने वाला है। मतलब ओवरऑल सीएनजी लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा बहुत आपको खर्चा करना पड़ सकता है। और मैंने आपको एवरेज तो सीएनजी का बता ही दिया, तो काफ़ी अच्छी है। और वहीं इंटीरियर की बात की जाए तो इंटीरियर भी काफ़ी ज़्यादा आपको प्रीमियम देखने को मिल जाता है। सबसे पहले तो आपको ड्यूल टोन कलर के साथ इंटीरियर देखने को मिल जाता है दोस्तों। और मैं बता दूँ एसी के बारे में, तो फ्रंट में आपको 4 AC vent देखने को मिल जाते हैं, वहीं पीछे से बात करें तो पीछे में आपको 1 भी AC vent देखने को नहीं मिलते हैं। और म्यूजिक सिस्टम की बात करें तो दोस्तों म्यूजिक सिस्टम आपको नॉर्मल देखने को मिलता है, इसमें आपको कोई कंपनी फिटेड देखने को नहीं मिलता या फिर ब्लूटूथ है, सब का आपको फीचर्स देखने को नहीं मिलता है। वैसे मैं तो यही कहूँगा आप डिस्प्ले वाला इसमें लगवा लीजिएगा, काफ़ी हद तक अच्छा लगने लग जाएगा आपका डैशबोर्ड। और वहीं मैंने आपको एसी के बारे में और कुछ नहीं बताया था दोस्तों हीटर को लेकर के, तो हीटर भी आपको इस गाड़ी के अंदर देखने को मिल जाता है। और सबसे बेस वेरियंट आप नैनो कभी मत लेना, क्योंकि आपको उसमें एसी तक देखने को नहीं मिलती है, तो मत ही लीजिएगा। और इसमें तो खैर आपको एसी हीटर सब मिल जाएगा। एसी के कंट्रोल्स की बात करें तो दोस्तों आपको मैनुअली कंट्रोल्स इसमें देखने को मिलते हैं, ऑटोमेटिक एसी नहीं है इस गाड़ी के अंदर। वहीं स्टीयरिंग की बात करें तो पावर स्टीयरिंग के साथ ही गाड़ी आती है, और स्टीयरिंग के ऊपर आपको कोई कंट्रोल्स देखने को नहीं मिलता है। एक सिंपल सा 1000 लैंप का आपको लाइट जलाने का बटन मिल जाता है जो कि स्टीयरिंग के ऊपर मिलता है, और एक हॉर्न बटन जो होता है नॉर्मल सा वही आपको देखने को मिलता है। गियरबॉक्स मैनुअल है, फ्रंट के जो दोनों विंडोज वो आपको पावर बटन मिल जाते हैं, पीछे के आपको नॉर्मली देखने को मिलते हैं। टायर कंडीशन की बात करें तो आप सामने में देख सकते हो टायर कंडीशन 60-70% के आसपास है। और दोस्तों इस गाड़ी के अंदर मुझे एक फीचर्स बहुत ही ज़्यादा गंदा लगता है और इरिटेट भी करता है, और वो फीचर्स यही है कि दोस्तों अगर आप पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलाने जाओगे ना, तो दोस्तों आपको पेट्रोल इसी तरीके से जैसा कि आप देख रहे हो इमेज में, इसी तरीके से आपको गाड़ी का बोनट ओपन करना पड़ेगा, देन आप वहीं पे पेट्रोल डला सकते हो। मतलब सीधा सीधा बताऊं तो ड्राइविंग सीट से उतर के आपको बोनट ओपन करना पड़ेगा, फिर जाकर के आप गाड़ी के अंदर पेट्रोल डलवा सकते हो। इसलिए क्योंकि दोस्तों लेफ्ट और राइट आपको कहीं भी देखने को इस गाड़ी के अंदर नहीं मिलता पेट्रोल डालने का ऑप्शन। और स्टेपनिंग की बात की जाए तो भी आपको आगे में ही देखने को मिल जाता है इस गाड़ी के अंदर। तो चलिए बात कर लेते हैं अभी और डिटेल्स की। तो टाटा नैनो 2010 मॉडल आप देख रहे हैं, पेट्रोल वेरिएंट गाड़ी, 36,000 दोस्तों नहीं चली हुई है गाड़ी, ये गाड़ी चली हुई है 46,000 किलोमीटर। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 46,000 किलोमीटर चली हुई है 2010 मॉडल टाटा नैनो। बात करें गियरबॉक्स की तो आपको मैनुअल गियर्स में देखने को मिलता है, फर्स्ट ऑनर गाड़ी है, सो ये तो काफ़ी अच्छी है, फर्स्ट ऑनर गाड़ी जब भी ले आप सेकेंड हैंड लेना चाहते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं प्राइसिंग का, क्या होने वाला गाड़ी का प्राइस। तो दोस्तों ऑनर का आस्किंग प्राइस है 75,000 रुपये। जी हाँ 75,000 रुपीज़, लेकिन प्राइस नेगोशिएबल है, फिक्स प्राइस बिल्कुल भी नहीं है, तो प्राइस कम हो जाएगा। मैक्सिमम में गाड़ी आपको पड़ जाएगी 55,000 से 60,000 के आसपास। तो चलिए बात कर लेते हैं कॉन्टैक्ट नंबर की। तो दोस्तों ऑनर का जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो आपको डिस्प्ले पर देखने को मिल जाएगा, तो नंबर पर आप कॉल करिए, ऑनर से बात करिए, जो भी आपको पूछना हो ऑनर से पूछ लीजिए, चाहे पेपर से रिलेटेड हो या फिर गाड़ी से रिलेटेड हो। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं ऐसे ही नई वीडियो के साथ।